Hey

Let's get ये एक ऐसे बच्चे की है जिसे हाइड्रोफोबिया है बिकॉज उसके पास में कुछ टू और थ्री ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि उसे पानी से डर लगने लगा है बट उसने इस फियर को ओवरकम कर लिया क्यों किया किन कंडीशन में किया बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि मैं फियर है तो उस फियर को हम जिंदा रखते हैं और चीजों से भागने लगते हैं तो उसने क्यों कम किया किस डिटर्मिनेशन के साथ किया वील नो एवरीथिंग इन दिस स्टोरी बट बिफोर दैट वील नो समथिंग अबाउट आर ऑथर दैट इज विलियम डगलस 1898 नाइनटी एट में पैदा हुए थे 1980 में इनकी डेथ हो गई इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स की एंड उसके बाद ये टीचर बने टीचर बनने के बाद इन्हें थोड़ा बोरिंग फील हुआ कि बस बहुत हो गया इसके बाद मुझे कुछ और करना चाहिए तो ये बन गए लॉयर एंड देन ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजबेल्ट एट एल एंड देन ये प्रेसिडेंट के फ्रेंड एंड एडवाइजर बन गए एडवोकेट बनते हुए इन्होंने थर्टी सिक्स ईयर की जो सर्विस थी सब की ये सबसे लंबी सर्विस है राइट right? जिन्हों कभी किसी ने एडवोकेट में इतनी नहीं दी है एंड ये जो तो स्टोरी है इनकी बुक का एक एक्सेप्ट एक 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 है बुक कौन सी है ऑफ मैन एंड बाय विलियम इसमें छोटे तो छोटे पार्ट्स कलेक्ट किए हैं एंड ये स्टोरी आपके लिए बना दी गई है एंड जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस ये अपने बचपन की कहानी हमें सुना रहे हैं जो हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़नी है ये रिटायर कब हुए थे 1975 में राइट right? सो so, so, जब विलियम और डगलस टेन टू इलेवन ईयर ओल्ड थे तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब स्विमिंग सीखनी है सीखते हैं राइट right? तो ये याकिमा रिवर के पास रहते थे तो ये जो इनकी मदर थी तो हमेशा इन्हें वॉर्न करती थी कि देखो बेटा वहां मत जाओ वहां जो जो लोग आज तक गए हैं डूब गए हैं कभी वापस लौटकर नहीं आए हैं तो इनके माइंड में थोड़ा थोड़ा ऐसा डर सा था कि नहीं वहां नहीं जाना है बट इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि स्विमिंग तो सीख नहीं है तो फिर इन्होंने एक पूल चूज किया इन्होंने कहा ये सेफ है आराम से जा सकता हूं क्योंकि इसकी जो ये ओनली थ्री फीट डीप है और ऑन द अदर हैंड कॉर्नर में जाके नाइन फीट डीप है तो वहां जाना नहीं है तो दैट्स वाई इट इज सेफ फॉर मी वो जो पूल कौन सा था वाई एम सी ए

ये फियर ने इसलिए आया था दैट अ डे ये अपने फादर के साथ बीच पर गए हुए थे ऐसे एंड देन एक वेव आई थोड़ी बड़ी वेव थी तो इन्हें बच्चे को तो डेफिनेटली गिरा ही देगी तो गिरा दिया तो इन्हें ऐसा लगा कि इनका जो थ्रॉट है वो चौक हो गया है एंड ही इज अबाउट टू डाई बट इनके जो फादर है ऐसे लगते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है तो ये जो फियर था जो फियर होना ही नहीं चाहिए था ये मन इनके मन में बैठ गया और तब से इन्हें पानी के लिए फियर है ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे हिट गए आप सोचोगे बड़ा कैसे हो गया अब हो गया हो गया राइट तो फिर ये पानी में जाते हैं एंड पानी में जाने के बाद जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं उनको देखते हैं उनको कॉपी करने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं उसके बाद ये दूसरे दिन आते हैं पूल में देखते हैं कि पूल में कोई भी नहीं है तो ये कहते हैं कि अकेले जा नहीं सकता बिकॉज ही हैज फियर फॉर वाटर एंड ये पूल के पास में बैठ जाते हैं एंड वेट करने लग जाते हैं इतने में बाकी कोई तो नहीं आता बट एक बुली गाय आ जाता है जो कि 17 टू तो 18 ईयर ओल्ड है जो सबको डराता रहता है धमकाता रहता है तो वो हाय हेलो करता है बच्चे से हमारे बिलियमो डकल से एंड कहता है कि और कैसे हो वो कहता है बढ़िया है एंड कहता है कि अगर मैं गिरा दू तो एंड कहने पर गिराता है तो बैठने वाली पोजीशन में वो हैं हमारे ये जो राइटर हैं एंड ऐसे ही जाकर नीचे गिर जाते हैं पानी में सिटिंग पोजीशन में एंड देखते हैं कि जो टाइल्स हैं वो इतनी वाइट हैं जितनी की हमारी जो बाट होता है वो एंड कहते हैं कि अब क्या हो क्योंकि ये तो कॉपी कर करके कर सीख रहे थे और सीख थोड़ी पाए थे ओके इट वॉज जस्ट वन डे ही ट्राई टू स्विम ओके सो ये सोचते हैं कि जैसे मैं पानी में जा रहा हूँ तो एक काम करूंगा जैसे कॉक होती है कॉक क्या होती है बॉल टाइप की होती है तो अः uh, जैसे ये करेंगे उसमें तो वो उछल कर ऊपर आ जाती है तो इन्हें सोचा कि एकदम में जैसे मैं मुझे सरफेस मिलेगी तो मैं जाऊँगा और एकदम इतनी uh, पावर लगाऊंगा कि ऊपर जम्प कर जाऊंगा फाइन तो ये जंप करने का ट्राई करते हैं बट इनसे नहीं होता इनका जो थ्रॉट है वो चौक हो जाता है इनकी जो आवाज है वो पूरी तरीके से फ्रोज हो जाती है फ्रीज हो जाती है कि ये चिल्लाने के लिए भी किसी को आवाज़ नहीं लगा सकते इनके जो लंग्स हैं वो वस्ट होने लगते हैं कि अरे नहीं अब नहीं हो पा रहा है इनकी बॉडी रिज हो जाती है ऐसा लगता है कि पैरालाइज हो गए हैं बिल्कुल की मूवमेंट नहीं हो पा रहा है बट बटे कहते निकलना तो है तो सेकेंड टाइम भी ये ट्राई करते हैं बट इनसे नहीं हो पाता यही सब जो कंडीशन है चक्कर आने लगते हैं और हार्ट पाउंड करने लगता है सारी की सारी चीजें इनके साथ होती है एंड ये थर्ड टाइम भी ट्राई करते हैं कि करना तो है क्योंकि आवाज लगाते हैं अब इनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है तो ये ट्राई करते हैं बट इनकी जो नोज है एंड वही ऊपर तक आ पाती है इनका माउथ वाटर में ही रह जाता है आई मीन सिर्फ इतना फेस से देख पाते हैं और वापस नीचे में चले जाते हैं देखते हैं कि देर इज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर ओके okay, एंड इसके बाद उन्हें फील होता है कि अरे मैं तो वाटर विंग्स पहनी हुई है वाटर विंग्स क्या होता है कि यहाँ आपको टू ऐसी पहना देते हैं जिससे क्या है कि आप वाटर में फ्लोट करने लग जाते हो सिंक नहीं करते हो आई आल गिवर एनिमेज आप चेक कर पाओगे अच्छे से ठीक है तो वो पहना देते हैं सो दैट आप सिंक नहीं करोगे जैसे आपने एक टायर देखा होगा वो पहना देते हैं जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं एंजॉय करने जिससे कि आप उसमें डूबो ना सिंक ना करो ओके okay? तो ऐसा ही कुछ इनके पास था तो फिर ये क्या है कि उसमें फ्लोट करने लग जाते हैं तो कहते हैं अरे ये इतनी भी डरने वाली बात नहीं है जितना मैं डर रहा हूँ काफी पीस है रिलैक्स फील हो रहा है अब इनके जो बॉडी है वो थोड़ी टेंडर हो जाती है और इन्हें अच्छा फील होने लगता है इसके बाद इन्हें इतना रिलैक्स फील होता है इतना रिलैक्स फील होने होता है कि ये थोड़े सो से जाते हैं एंड जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये देखते हैं कि मैं फ्लोर पर लेटा हुआ हूँ और आसपास मेरे लोग हैं एंड ये जो बुली था वो भी है एंड सब लोग कह रहे हैं कि तुमने ऐसे क्यों करा दिया तो बुली बोलता है आई वॉज जस्ट फूलिंग हिम ओके तो जो लोग हैं वो कहते हैं कि फूलिंग ये मर जाता ओके okay? एंड इसके बाद चीजें शांत हो जाती है कुछ घंटे बाद ये जो हमारे राइटर हैं वो घर जाते हैं बट वो जो फियर था और बढ़ गया है फादर के साथ जो था वो हो गया और अब ये जो हुआ वो और फियर को बढ़ा दिया अब कोई भी पानी की चीज देखते बड़ा डर जाते ओके कोई भी ऐसी कि भारी भरकम चीज है उसे भी देखते डर जाते कि नहीं मैं से पकड़ या नहीं बॉडी फील होने लगती थी चक्कर से आने लगते थे बड़ा डर सा लगता था तो आ, साल गुजरती गई और इनका जो फियर है वो कम नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ कि ये चीजें बड़ी परेशान कर रही थी क्योंकि उन्हें फिशिंग करनी थी ओके आ, बास फिशिंग इन न्यू हेम्पायर ट्राउट फिशिंग ऑन द डैशूट एंड मेटलियन तो ये कई सारी फिशिंग uh, थी ये करना चाहते थे बट ये उस चीज को इंजॉय करना चाहते थे बट ये जो फियर था उसने ये सारी चीजें छीन ली थी कि नहीं फिशिंग तुम नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम तो पानी से डरते हो और फिशिंग तो वाटर में ही हो सकती है तो फिर हमारे राइटर ने डिसाइड किया कि नहीं एट एनी कॉज कम वॉट में मुझे ये जो फियर है अपना ओवरकम करना ही पड़ेगा बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय इट एंड If I'm not doing it, I'm not feeling like good. And he hired an instructor जो इन्हें सिखाए कि कैसे स्विमिंग करनी है और डर भी ना लगे right? because he wanted to do fishing and he wanted to overcome his fear because ये सारा ही छोड़ना नहीं चाहते थे तो उस uh, ट्रेनर ने इनके लिए एक स्ट्रेटेजी फाइंड की कि एक रोप में बेल्ट लगा देते हैं एंड फिर इससे इन्हें बांध देंगे सो दैट ये कभी वाटर में जा रहे हैं एंड इफ ही फील सफो देन बाहर निकाल दिया जाएगा तो उस ट्रेनर ने ने सिखाया कि नोज बाहर रखनी है एंड माउथ अंदर लेना है तब इनहेल एक्सेल करना है तो ये चीजें चलती रही एंड डे बाय डे ये जो इनकी कंडीशन है वो सुधर रही थी अब उन्हें थोड़ा थोड़ा कम डर लग रहा था बट वो डर कहीं ना कहीं मन में था तो ये कह रहे थे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आई I मीन mean, अगर मैं कभी अकेला चला गया तो डेफिनेटली डर मेरे अंदर आ जाएगा बट इन्होंने ये जो काम है कंटिन्यू रखा बिकॉज चीजें सुधरने से ही सुधरती हैं राइट right? अगर आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे तो ही कर पाओगे एंड उसके बाद ये कई सारी लेक है इनमें ये अकेले अकेले इन्होंने स्विम करने का ट्राई किया एंड जब वो एक लेक में गए थे तो इन दम मेड इन्हें थोड़ा सा सफोकेटेड फील हुआ कि नहीं मैं डूबने वाला हूँ देन इन्होंने अपने मन में अपने ही डर से कहा दैट वेल मिस्टर टेलर वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी इट फ्लैड एंड आई स्वेम ऑन हम कभी कभी कहते हैं ना और डर क्या बिगाड़ लोगे मेरा मुझे डर नहीं लगता है ना कभी कम अपने खुद से बातें करते हैं एंड द सेम वे ही इज टॉकिंग कि डर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो और वो डर छुमंतर हो गया और इन्होंने आराम से जो अपनी स्विमिंग है वो कर ली And उसके बाद से इनका ये जो हाइड्रोफोबिया था वो छुमंतर हो गया गायब हो गया अब इन्हें डर नहीं लगता अभी अकेले किसी के साथ भी अच्छे से अः अच्छे से स्विमिंग कर लेते हैं एंड एट द एंड ये बोलते हैं कि मैंने लाइफ और डेथ दोनों ही बहुत पास से एक्सपीरियंस की है एंड आई वो डेफिनेटली से जो डेथ है वही एक चीज है जो परमानेंट है लाइफ तो टेम्परेरी है तो ये डेथ का जो डर है इससे हमें नहीं डरना चाहिए बिकॉज यही एक परम सत्य है और इसको मानकर लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया है ओके okay? डरना खुद में ही एक

wait for the next video till then thank you so much guys thanks a lot